उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चोरों के गिरोह सक्रिय है। आलम यह है कि चोरी की घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते अमरोहा के थाना देहात इलाके के रामनगर गांव में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। यहां खास बात यह भी है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष बृजेश चौधरी रामनगर के रहने वाले हैं और वहीं के लोग चोरों के आतंक से परेशान हैं। 3 सितंबर 2019 को इसी गांव के कुछ घरों को निशाना बनाकर 60 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। अब चोर एक घर को निशाना बनाकर सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। आपको बता दें कि इस गांव को लगातार चोरों ने निशाना बना रखा है। बीते वर्ष इस गांव में लगभग 60 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसका आज तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। और बीती रात फिर से चोरों ने दो जगह हाथ साफ कर लगभग 10 लाख की चोरी को अंजाम दिया है, जिसके बाद ग्रामीण हाथों में बीजेपी विरोधी तख्तियों के साथ चुनाव बहिष्कार की तख्तियां लेकर गांव में ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। गांव के रहने वाले पीड़ित मदन पाल ने बताया कि चोरों ने लगातार उनके गांव को निशाना बना रखा है, लेकिन पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से वह धरने पर बैठने को मजबूर हैं। जी, क्या नाम आपका? मदन सिंह। मदन जी, क्यों विरोध हो रहा है? ये लगातार आप लोगों ने जो पट्टी लगा रखी है, क्या है इसका कारण? 4/9/2019 को तीन घरों में, मेरे घर में, वीरेंद्र सिंह के घर में और ऋषि पाल सिंह के घर में डकैती हुई। एक साल हो गया, फाइनल रिपोर्ट लगा रही है पुलिस, आज तक कोई खुलासा उसका नहीं होया, ना चोर पकड़े गए ना हमारा सामान बरामद होया। फिर उसके बाद दो जगह फिर हो गई, बैंकट हॉल में और डिग्री कॉलेज में गांव के, उसका भी कुछ नहीं। और आज रात में दो घरों में फिर हो गई। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कम से कम किसी चोरी का तो खुलासा हो जाए। कितने रुपए की चोरी हुई आज? आज 6-7 लाख की। अच्छा, हाँ, पिछली बार चोरी हुई थी वो 50 लाख की थी। 50 लाख की चोरी हुई थी, हाँ। तो आप लोगों ने जो है लगातार इसका क्या खुलासा नहीं हो पाया? कोई खुलासा नहीं हुआ, हमने उच्च अधिकारियों को सब पर खूब कार्रवाई के लिए कई लिखा पढ़त करी, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर खूब शिकायतें कर ली, आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये विरोध समझ में नहीं आता, ये किस तरह का जो आप लोगों ने बैनर लगा रखे हैं, ये लगातार जो विरोध कर रहे हैं, ये तो थोड़ा बीजेपी की सरकार है, चुनाव चल रहा है, तो कम से कम बीजेपी के नेताओं को तो पता चला कि हमने विरोध किस चीज़ पर कर रखा। हमारे यहाँ चोरियाँ हो रही लगातार, कम से कम सरकार चोरियाँ तो खुलवावे, हमारी कुछ चोरों का तो पकड़वावे। जी, क्या नाम आपका? मनवीर सिंह चिकारा। मनवीर सिंह चिकारा जी, जी बताएं मनवीर जी, आप यहाँ आज कैसे आना हुआ बताइए? अभी मुझे पता चला कि रामनगर गांव में दोबारा फिर दो घरों में चोरी हो गई है। चोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है हमारे क्षेत्र में कि पहले यहाँ तीन घरों में चोरी हुई, आज तक पर्दाफाश शायद नहीं हुआ। दो घरों में ये रात चोरी हो गई और रामनगर ही टारगेट है। ये समझ में बात नहीं आ रही कि रामनगर पर ही चोरों का इस तरह से इतना आतंक क्यों है, और यहाँ संपन्न लोग हैं, भारी नुकसान होता है बार बार, दो घरों में रात चोरी हो गई, बिल्कुल प्रशासन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। चोरी का खुलासा होना चाहिए, पहली वाली चोरियों का खुलासा भी होना चाहिए और इन चोरियों का भी खुलासा होना चाहिए। अभी जानकारी मिली तो मैं भी अपने गांव में था, अभी जैसे यहां से फ़ोन पहुंचा तो यहां आया हूं, हमारे क्षेत्र का मामला है। धन्यवाद जी सर, बताएं सर क्या है पूरा मामला? ये रामनगर गांव पड़ता है कोतवाली देहात में, इसमें आज एक चोरी की घटना हुई है। देर रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा अभिमन्यु जी नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर में चोरी कर ली गई है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। सर, पूर्व में भी एक वर्ष पहले यहाँ पर लगभग 60 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जानकारी में आया है कि पूर्व में भी एक वर्ष पूर्व भी यहाँ 2-3 चोरियाँ हुई थी एक ही दिन में, और उनका खुलासा नहीं हो सका था, जिसको लेकर के थोड़ा सा आक्रोशित हैं गाँव के लोग, उनको समझाया गया और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाए। जी, क्या नाम आपका? अभिमन्यु। अभिमन्यु जी, बताएं क्या घटना यहाँ पर घटित हुई है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। चोरी हुई है कोई लगभग 2:50 सुबह के समय, एक कमरा खाली था, पहले उन्होंने उसमें चोरी करी, कुछ नकदी रखी थी 85,000 के लगभग, जेवरात थे, फिर बराबर के कमरे में बड़े वो अलमारी खोली, उन्होंने चाबी रखी थी अलमारी के बराबर, उसमें से जेवरात निकाले, फिर और सामान खोला, फिर उसमें जो हमारा भतीजा सो रहा था उसकी आँख खुल गई और उसने शोर मचाया, तो चोर निकल के भागे, वो देखे पास के मकान में भी उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन लोग उठ गए, इस वजह से वहाँ से भी निकल भागे। अच्छा, लगभग कितना रुपये नगद आपका गया है उसमें? 85,000 रुपये तो लगभग नगद था, और सोने की और चांदी की चीज़ें थी लगभग
5-6 लाख के। क्या आपको लगता है कि किसी पे शक है आपको आसपास किसी? नहीं ऐसा तो, या किसी गांव में कहीं आसपास कोई ऐसा? नहीं ऐसा तो कोई हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा आपके गांव में अभी पूर्व में भी चोरी हुई थी सर? तो हाँ पहले भी चोरी हुई 3-4 जगह, हमारे यहाँ भी पहले आए थे वो। अच्छा। फिर अंदर चोरी गई और काफ़ी प्रयास करा, पुलिस ने वो केस खोला ही नहीं। अच्छा कितनी चोरी हुई थी पहले लोगों, कितने रुपए की चोरी हुई थी? पिछली बार तो 50-60 लाख की चोरी हुई थी। अच्छा पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस कुछ बोलती नहीं, पुलिस कहती कि हमें बताओ कौन है, उन्हें हम उठाएंगे, लेकिन जब हमें पता होता तो फिर खुद ही पुलिस की क्या जरूरत थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.